स्वागत है आप सबका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। और यहाँ पे कुछ कमीनों दोस्तों तो मिलाता हूँ। ये तो नया आया, कहाँ से आया हो तुम? मैं रीवासन से रहता हूँ, लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में मास्टर्स कर रहा हूँ। संस्कृत विभाग, माशाल्लाह क्या बात है। आप ये मेरा पुराना क्लासमेट है और इसके साथ ही जब हम लोग 2019 में एडमिशन हुआ था, मेरा को हुआ था रशियन लैंग्वेज में और इनको हुआ था फ्रेंच लैंग्वेज में। तो फिलहाल ये DU का स्टूडेंट हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं इस रूम में रहता था। गाइस देखो, ये वो रूम है, कावेरी हॉस्टल है और कावेरी हॉस्टल में ये मेरा कमरा नंबर। वापस आऊँगा तो यहीं डेरा डाल दूँगा। बहुत सेकंड दिखा रहा है, 21 सेंचुरी चल रहा है। आज बहुत बधाई आपको, आपने इतनी खूबसूरती से अपनी जर्नी करते आ रहे हैं। हाँ हाँ, कीप इट अप। चाय भी पीते हैं, चलिए। हाँ हाँ, यहाँ पिए या वहाँ चलें। मैं अपने यूनिवर्सिटी में चाय का आनंद ले रहा हूँ सर के साथ, और सर आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और मुझे भी बहुत खुशी हुई। अब आपका कल से ही वेट कर रहे थे, जब आपने शेयर किया कि आप आने वाले हैं कैंपस। अच्छा, मैं कल से ही आपका वेट कर रहा था। यहाँ रहता था 2-3 साल, यहाँ बैठा खाया। ये जो आप गैदरिंग देख रहे हो, ये है गोदावरी हॉस्टल और यहीं पर है कावेरी, पेरियार हॉस्टल। तीनों हॉस्टल यहीं पर हैं, तो यहाँ पे अक्सर शाम के वक्त इतना गैदरिंग हो जाता है। ग्रीन पार्क में इस वक्त हम हैं और यहाँ पे टायर चेंज कर रहे हैं अपने धन्नू की, व्हील चेयर की। नहीं नहीं ऐसे नहीं, हाँ बस उसको खाली निकालना है, बस हो जाएगा। ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ता है, सब आजकल का टेक्नोलॉजी। तो ये वो टायर लगा रहे हैं भाई, देख लो ये वाला टायर है, दोनों टायर लगेगा आगे के सफ़र के लिए। हमारी पुरानी वाली टायर है, ये 6000 किलोमीटर चल चुकी है। क्या ये भी 6000 किलोमीटर चल पाएगी अंकल? आप इसकी गारंटी दीजिए ऑन द कैमरा। टायरों की गारंटी नहीं होती, बाद में आपको दिखाएंगे कि देखिए यही वीडियो है, सबूत रहेगा मेरा। हाँ हाँ, यूट्यूब पर ही डलेगा, इस सबूत ले जा रहा हूँ आपके तरफ से। कल को कुछ होगा तो हम सीधा यही वीडियो दिखाएंगे, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। चलिए, डाउन हो गई थी तो मैं मेट्रो स्टेशन के अंदर आके चार्ज लगाया, मतलब स्टेशन के अंदर हूँ। क्या यार न्यू मोशन वाले, कहाँ बैटरी डाउन हो जाएगी कोई गारंटी नहीं इसकी माँ की आंख। थैंक यू। 5 साल मैं इस कमरे में रहा हूँ। कैसे बोलता था भाई, बोल कैसे बोलता था? हाँ अच्छा, एक घंटा देता कॉम्प्लीमेंट। 8 बजे सुबह मिल जाता था जेएनयू के अंदर, तो नाश्ता देने आता था, तो उसको बोलता था भैया क्या है नाश्ते में, तो ये लाना वो लाना, बड़ा ऑर्डर करता था मैं। अब वो पुराने दिन बीत गए यार, जहाँ पर ये सो रहा है वहाँ पे मैं सोता था, कई साल तक सोया। हॉस्टल में क्या होता है कि हर साल एक नए चेहरे आते हैं, नए लोग सोते हैं उनके साथ। कोई भी लोग आता था यहाँ पे, वो सब डबल। आज संडे का दिन है ना, तो थोड़ा गैदरिंग कम है, वरना जिस दिन क्लास चलती है उस दिन लोग। तो चलो भाई, ये आया कॉफ़ी। कॉफ़ी है भैया? चलो, स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। तो हमारे क्लासमेट से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय है। अच्छा अच्छा है। द्रास्त विचा काकवास जिला नर्मल ना? हाँ, जर्नी नॉट कम्प्लीट। अभी 80% हुआ है, 20% और है। बेस्ट लक फॉर योर जर्नी। ओके थैंक यू। हम लोग एक जगह बैठ जाते हैं और वहाँ पे सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। आज संडे का दिन छोले भटूरे मिलते हैं। आइए आइए, क्या बात है, छोले और भटूरे। मेट्रो में आपका स्वागत है। तो ये मैंने ले लिया मोती बाग से लेके शास्त्री नगर तक का टिकट। दिल्ली मेट्रो में ज़्यादा परेशानी नहीं होती, यहाँ पे लोग समझते हैं क्या है क्या नहीं। लेकिन मुंबई में मुझे तो बहुत परेशानी हुई थी। मुंबई वाले देखते अरे ये क्या ला दिया, ये कौन सा गाड़ी है, ये कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, बड़ा क्वेश्चन पूछते थे, बड़ा स्ट्रिक्शन। दिल्ली में देखो कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। आप कहीं भी जा सकते हो, आ सकते हो। तो ऐसा ही चाहिए वातावरण मुझे हर जगह पूरे भारत में। तो अभी ये वेजेंटल लाइन था और अब हम ब्लू लाइन पकड़ के जाएंगे अपना शास्त्री नगर, जो राजीव चौक होते हुए जाएंगे। राजस्थान में अप्रॉक्सीमेटली जो टेम्परेचर था वो 45 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन दिल्ली में थोड़ा कम है, वो 3 डिग्री कम है एज ए कम्पेयर टू राजस्थान। द्वारका सेक्टर 21 की तरफ जाऊंगा। दिल्ली में है कि जो हैंडीकैप होता है ना, वो महिला बॉगी पे ही बैठ सकता है। ड्राइवर के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, उनके साथ बातचीत करना पड़ता है कि कहाँ उतरना है, कहाँ चढ़ना है, उनकी नज़र में रहना पड़ता है, ताकि अगर कोई भी अनहोनी हो तो ड्राइवर थोड़ी देर के लिए ट्रेन को रोक सकता है। इस वजह से वो या तो आगे वाले डब्बे में बैठाते हैं या फिर पीछे वाले डब्बे में बैठाते हैं। मिडिल पॉइंट वाले डब्बे में आप नहीं बैठ सकते। क्या होता है कि जो बीच वाले डब्बे होते हैं ना, उनमें काफ़ी गैदरिंग रहता है, काफ़ी भीड़ होती है। पाँच साल रहा हूँ, मुझे फिर भी नहीं पता, मैं बड़ा कंफ्यूजन में हूँ किधर जाना है किधर नहीं। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जो है ना, ये दिल्ली का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से आपको हर लाइन की गाड़ियाँ मिल जाएगी। फाइनली अपना डेस्टिनेशन आ चुका हूँ, शास्त्री नगर। यार इतना चलने के बाद कम से कम पूरे 2 घंटा में मेट्रो के अंदर नाच रहा हूँ। कभी इधर, कभी उधर, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी येलो लाइन, कभी ब्लू लाइन, कभी ग्रीन लाइन। शॉप का नाम अपना विनायका सेल्स है। शॉप दिल्ली में है, शास्त्री नगर में। दिल्ली शास्त्री नगर रेड लाइन मेट्रो स्टेशन पे आता है। गेट नंबर 2 से एग्जिट करते हैं हमारी दुकान है। 7 डेज शॉप ओपन है। होलसेल, रिटेल, कैंपिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग और राइडिंग हर गियर में हम डील करते हैं। आइटमें कैसे आप खुद इसको आप हमारे शॉप में देख रहे होगे। ये आपके सॉक्स हो गई, ये आपके लाइट्स हो गई, बंजी रोप हो गई, पिल्लो हो गया, हाइड्रेशन बैग हो गया, या आपका ऑक्सीजन कैन हो गई लद्दाख जा रहे हो तो, या आपको वाइट कंपनी की बुटेन हो गई, यहाँ से आप देख रहे हो छोटा पोर्टेबल अम्ब्रेला हो गया, टेंट के लिए लाइट हो गई, ये आप देख रहे हो आपको छोटा टूल किट हो गया, ये आपको एच डिवीजन ग्लास मिल जाएगा, रेन पोंचो हो गया, रेन पोंचो मिल जाएगा, ब्यूटेन चाहिए आपको ब्यूटेन मिल जाएगा, और आपको फोल्डेबल स्पून चाहिए आपको फोल्डेबल स्पून मिल जाएगा, छोटा पोर्टेबल चूल्हा है तो छोटा पोर्टेबल चूल्हा भी मिल जाएगा, स्टिक चाहिए आपको स्टिक मिल जाएगी। और आइटम तो भैया आपको उधर दिखा रहे होंगे वीडियो में, आइटम है बहुत सारी है अपने पास। केतली की बड़ी डिमांड थी, अब कंपनी ने छोटा केतली निकाल दिया जिसका प्राइस मात्र 900 है। मेरी उससे बड़ा है ये 1000 का है। फिर उसके बाद में ये 2 लीटर का है, ये 1200 रुपये का है। इसमें आप पानी, दूध और चाय बना सकते हो, मैगी बना सकते हो, आराम से सब्जी बना सकते हो, और अंडे की बॉइल एक ही बर्तन में आपको ये मतलब एक ही बर्तन सारे काम कर देगा। पानी की बोतल की बड़ी आवश्यकता रहती है, जैसे ये 5 लीटर की है नल के साथ, ये 250 रुपये में आपको मिल जाएगी। इसमें अगर बगैर नल का लेंगे तो ये 200 रुपये में मिल जाएगी। फिर उससे बैग मिल जाएगा आपको जो ओरिजिनल 95 लीटर है मात्र 1850 रुपये में। जैसा आपका बजट, जैसा आपका टेम्परेचर हो, स्लीपिंग बैग मिल जाएंगे जिसकी प्राइस 750 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक है। तो हमारी व्हीलचेयर पर भारत यात्रा देश की राजधानी पहुंची हुई है। तो यहाँ से मैं अपनी जो गर्मी का सामान है उसे रिप्लेस करके ठंड का सामान अब यहाँ से चलूँगा ऊपर की तरफ। जो आपने अब तक वीडियो में देखा है कि मैं कैसे टेंट लगाया, कहाँ पे, उसमें क्या क्या यूज़ करता था, वो सब कुछ यहीं से मैंने लिया था। ये भैया ने मुझे दिया था बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका, भगवान आपका हमेशा भला करे। अगर आप आएंगे तो यहाँ आपको बहुत ही किफ़ायती दामों में यहाँ पे हर तरह का सामान आपको, जब आप कहीं लद्दाख की तरफ या पूरे भारत में कहीं भी आप जाएंगे तो आपको हर तरह के सामान, जो भी एक यात्रा में, ट्रैवल में जो भी आपको ज़रूरत होगी वो सारा सामान यहाँ पे फुलफिल होता है, सब कुछ मिलता है ए से लेके जेड तक। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में घर बैठे सामान मंगा सकते हैं। आप देख रहे हो ना, पार्सल सारे पैक करके रखे हुए हैं, सब जगह अपना सामान जाता है। कहीं पर भी चार्जिंग क्या है? कुरियर के नॉर्मल तो 50-60 रुपए किलो का चार्ज आता है, बेसिक वही चार्ज होता है। आप इंडिया में कहीं भी हैं, किसी भी स्टेट में, वहाँ से भी आप अपने सारे सामान ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा। और सबसे खास बात कि जो भी यहाँ पे सामान मिलता है वो डेकाथलॉन से हाफ प्राइस में मिलता है। और डेकाथलॉन का जो सामान होता है वो काफ़ी भारी होता है, वज़नदार होता है, जो कि एक लाइट वेट जिसकी ज़रूरत होती है हर इंसान को, तो वो लाइट वेट अगर चाहिए तो तुम बिल्कुल यहाँ ही मिलेगा। इसके अलावा आपको मैं बता रहा हूँ और कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप डेकाथलॉन जाते हैं तो वहाँ पैसे भी डबल लगते हैं और चीज़ें भी बहुत भारी मिलती हैं। अगर आप यहाँ आ सकते हो सारा सामान लेना, और अगर आप कहीं भी हैं तो ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थैंक यू। दुकान का नाम है विनायका सेल्स। सारे सामान अंकल ने मुझे फ्री में गिफ्ट किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल का, विनायका सेल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान इनके दुकान को खूब आगे बढ़ाए। मैं तो सिर्फ दुआ ही दे सकता हूँ, और तो कुछ है नहीं मेरे पास। अंकल बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, भगवान आपके दुकान को चमकाए। ये सब कुछ मेरे लिए पॉसिबल नहीं था अंकल, आपने आसान बना दिया, आपने मुझे बिल्कुल ये सब आसान बना दिया, सरल कर दिया था। कुछ नहीं है, ऊपर वाले की देन है। ये बहुत टफ था मेरे लिए।